स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी खबरों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी हुई बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाला वर्ल्ड कप भारतीय टीम ही जीते तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए। हेलो स्पोर्टियन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मई 2019 में इंग्लैंड में क्रिकेट के वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है और उसके लिए BCCI ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और इस टीम में किन नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया और किन पुराने स्टार खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया, वह हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर से आप इस चैनल पर नए हैं तो बता दूं, मैं क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, यह 15 सदस्यीय टीम देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह टीम BCCI के सेलेक्टरों ने IPL के परफॉर्मेंस के ऊपर बिल्कुल नहीं चुनी, जिसकी क्लियरिफिकेशन BCCI के सेलेक्टरों ने पहले ही दे दी थी। पिछले साल से वनडे क्रिकेट में जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हीं खिलाड़ियों को इस टीम में मौका दिया गया है, ऐसा उनकी तरफ से बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वह 15 खिलाड़ी कौन से होंगे जो भारतीय टीम का झंडा वर्ल्ड कप में लहराने के लिए जाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग डिपार्टमेंट की। तो इसमें रोहित शर्मा जो कि उपकप्तान है, शिखर धवन और लोकेश राहुल को मौका दिया गया है। वहीं अगर बात करें मिडल ऑर्डर डिपार्टमेंट की तो उसमें आपको कप्तान विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव नजर आएंगे। दोस्तों, अगर वही बात करें ऑलराउंडर की तो इसमें आपको हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और युवा खिलाड़ी विजय शंकर को मौका दिया गया है। आपको बता दें, विजय शंकर काफ़ी नसीब वाले खिलाड़ी है क्योंकि इतने कम आयु में और ODI क्रिकेट का ज़्यादा अनुभव ना होते हुए भी उनको टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल गया है। वहीं अगर बात करें स्पिन गेंदबाजी की तो इसमें आपको कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल दिखाई देंगे। अगर बात करें तेज गेंदबाजों की तो इसमें आपको भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यही थे वह 15 खिलाड़ी जो आने वाला वर्ल्ड कप भारतीय टीम की तरफ से खेलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं उन स्टार खिलाड़ियों की जिनको वर्ल्ड कप की टीम से बाहर रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है 2011 के वर्ल्ड कप के चैंपियन युवराज सिंह का, उसके बाद नाम आता है सुरेश रैना का और साथ ही में उमेश यादव और आर अश्विन को भी मौका नहीं मिला। बात करते हैं युवा ऋषभ पंत की तो दिनेश कार्तिक की जगह पर ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप की टीम में मौका मिल सकता है, यह संकेत काफ़ी दिनों से मिल रहे थे। लेकिन फिर एक बार BCCI के सेलेक्टरों ने दिनेश कार्तिक के ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखाया है। तो दोस्तों, इस टीम के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ आज की भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अगर से आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बी स्पोर्टियन, स्टे स्पोर्टियन, वी स्पोर्टियन।